तो इस वीडियो में बात करेंगे नो टाइम टू डाई मूवी के बारे में। काफी सारे एक्शन है और काफी लेंथी मूवी है। तकरीबन जो इसकी लेंथ है वो 3 घंटे के आसपास है, मतलब 15 मिनट ही कम रह जाते हैं, मतलब काफी ज्यादा लेंथी मूवी है। अब देखो, मैंने जेम्स बॉन्ड की कोई पुरानी वाली मूवी तो देखी है नहीं। जब से जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभा रहे हैं डेनियल क्रेग, तो उनकी मैंने सारी की सारी मूवी देखी हुई है। और अब तक नो टाइम टू डाई मूवी के पहले पहले जो मेरी फेवरेट मूवी रही है वो है कैसिनो रॉयल। काफी बढ़िया है, काफी अच्छी स्टोरी है, सस्पेंस है, मतलब मेरी फेवरेट रही है जेम्स बॉन्ड के मामले में। और अब इस मूवी की कहानी की बात कर लेते हैं, यानी नो टाइम टू डाई मूवी की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। कहां से शुरू करें, मतलब मैं सोच रहा हूं यार क्या बताऊं, कैसे बताऊं, कौन सा पॉइंट स्टार्ट करूं। ओके, यहां से शुरू कर लेते हैं। तो जेम्स बॉन्ड भैया रिटायर हो चुके हैं, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन इनको रिटायरमेंट इनके दोस्त देख नहीं सकते हैं, तो कहते हैं भैया वापस आओ, तुम्हें एक मिशन हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब देते हैं, उस मिशन को कंप्लीट करो। मिशन होता है कि एक साइंटिस्ट को बचाना है, रशियन साइंटिस्ट होता है। अब जब वो रशियन साइंटिस्ट को बचाने जाते हैं तो कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, उन्होंने सोचा भी नहीं था, मतलब मिशन पेचीदा हो जाता है और वो ना चाहते हुए भी इसके अंदर और ज्यादा गहराई में घुस जाते हैं। फिर वो बायोलॉजिकल वेपन आ जाता है, दुनिया को तबाह करने वाली एक स्टोरी आ जाती है, मतलब हर कोई थैनोस बन के घूम रहा है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। इससे ज्यादा जानना है तो मूवी देखनी पड़ेगी, ज्यादा मैं नहीं बताने वाला हूं क्योंकि इंटरेस्ट खराब करने वाली बात आ जाएगी और फिर मुझे गालियां पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे जेम्स बॉन्ड की मूवीज टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा फेमस रहती है क्योंकि इसके अंदर अच्छी खासी टेक्नोलॉजी, बढ़िया बढ़िया चीजें देखने को मिलती है। और हाँ, इसमें हमें चीजें देखने को मिली है, खासकर जो एक साइंटिस्ट को ऊपर से फेंका जाता है तो वो ग्रीन और रेड लाइट का उसको हवा में टंग जाता है। क्या जब ये देखोगे तब समझ जाओगे, मुझे वो वाली चीज काफी पसंद आई। और एक जो वेपन जो इसके अंदर दिखाया है, बायोलॉजिकल वेपन, वो बड़ा मस्त था यार, मतलब चुन चुन के मारने वाला। सारी डिटेल तो नहीं देना चाहता मैं। मूवी स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि इसके अंदर चेजिंग सीन दिखाए गए, जो भी थोड़ी बहुत फाइटिंग सीक्वेंस इसके अंदर देखने को मिलता है वो बढ़िया है। बाइक सीक्वेंस वाला, मतलब जो बाइक, जो जेम्स बॉन्ड बाइक चला रहे हैं वो बढ़िया मुझे लगे। तो स्टार्टिंग में काफी अच्छा खासा इंटरेस्ट बन जाता है, लेकिन उसके बाद देखो यार मूवी बहुत ज्यादा लेंथी है। और इस मूवी को मतलब मैं ये नहीं कहता कि ज्यादा लेंथी मूवी होती है तो वो अच्छी नहीं होती, होती है, लेकिन अगर उसके साथ स्टोरी काफी बढ़िया हो तब ऑडियंस को वो शुरू से लेकर आखिर तक बांध पाती है। लेकिन इस मूवी के अंदर ऐसा नहीं हो पाता है, शुरू से लेकर आखिर तक हम इसके साथ, मतलब मुश्किल होता है इसके साथ कनेक्ट हो पाए। कुछ सीन इसके अंदर ऐसे डाले गए हैं जिनको देखकर लगता है कि यार मूवी को जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है, और इसमें मूवी के अंदर इमोशनल करने की भी कोशिश की गई। हाँ, थोड़े बहुत होते हैं लेकिन ज्यादातर हम नहीं हो पाते हैं। जेम्स बॉन्ड की अगर मूवी आप देखते हो तो उसके अंदर सस्पेंस, थ्रिल, ये उम्मीदें होती हैं कि यार हाँ अब इसमें सस्पेंस आएगा, अब इसमें कोई इंसान बदल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, ऐसी मैं ये उम्मीद लेकर देख रहा था। लेकिन ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं मिला, जो इतना ज्यादा निराशाजनक मुझे लगा कि यार मैं सच में जेम्स बॉन्ड की मूवी देख रहा हूं। अगर आप इस मूवी के कैरेक्टर को देखें, देखो परफॉर्मेंस तो सबकी अच्छी है, और जब इनके कैरेक्टर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार हर एक का अपना एक राज है, वो बताना नहीं चाह रहा, लेकिन किसी का भी राज सामने नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल एक कैरेक्टर है मैडलिन, अभी चेक किया, तो ये एक महिला है, काफी ज्यादा सुंदर है। तो इसको जो ऐसा मतलब दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है कि देखो अगर इसके राज सामने आ जाएंगे, जेम्स बॉन्ड के साथ बात हो रही होती है, कोई इंसान जेम्स बॉन्ड को कह रहा होता है कि देखो अगर मैडलिन के राज सामने आ जाएंगे तो तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी, तो मैं जानना चाह रहा था कि यार कौन से राज की बात हो रही है, पूरी मूवी खत्म हो जाती है यार, कोई राज सामने नहीं आता। हाँ, जानता हूं काफी ज्यादा बुराई हो रही है, बट क्या करूं यार, स्टार्टिंग के 25 मिनट मुझे मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन उसके बाद जैसा इंटरेस्ट गिरा है भाई साहब, सच में मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा ये देखकर। और ऊपर से रही सही कसर, वो विलन पूरा कर देते हैं यार, वो विलन चल रहा है सच में, इतना कैसे दिखा सकते, इतना निराशाजनक विलन। अच्छी चीज है, वो दिखने में अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से उसका एंड दिखाया गया, नहीं यार वो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। बड़ी इजी मौत, मतलब मैं स्पॉइलर तो नहीं दे रहा हूं ना। और सच में जो लास्ट में जो वो आइलैंड दिखाया गया है विलन का, तो उसके अंदर जैसे कोई भी आया जा रहा है, मतलब बिल्कुल आसान है कि भाई जाओ आइलैंड के अंदर, यहां पर उसकी लैब है, बम फिट कर दो, हां फिर विलन कहेगा आओ भैया डील करते हैं, इतना इजी। यार जेम्स बॉन्ड की मूवी है, थोड़ा बहुत तो सीरियस ले लो उसको। लास्ट जो जेम्स भैया के साथ होता है, वो जेम्स भैया क्या, जेम्स अंकल, जेम्स दादा, जो भी हैं, जो उनके साथ होता है, वो देखो यार वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हो जाएगा, एकदम आश्चर्यचकित, सरप्राइजिंग सरप्राइज था वो, मतलब जो एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्या बोल रहे हो, मैंने ये सोचा नहीं था कि ये चीजें दिखाएंगे, लेकिन जो चीजें दिखाई जाती है वो काफी ज्यादा शॉकिंग होता है। हाँ, शॉकिंग वर्ड काफी अच्छा है। एक्शन काफी अच्छे हैं मूवी के अंदर, लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगा कि यार नो टाइम टू डाई मूवी तक जितनी भी मैंने मूवी देखी है जेम्स बॉन्ड की, नए वाले जेम्स बॉन्ड की, तो उसमें अभी भी मेरी फेवरेट लिस्ट के अंदर कैसिनो रॉयल्स है। ये मूवी अभी भी उस मूवी तक नहीं पहुंच पाई, या कोई भी मूवी उस तक नहीं पहुंच पाई है। स्काईफॉल ठीक ठाक मूवी है। खैर, बात करते हैं नो टाइम टू डाई मूवी के बारे में। देखो, डायलॉग अच्छे हैं इस मूवी के अंदर, एक्शन जितने दिखाए गए वो भी अच्छे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है वो भी अच्छा लगता है, परफॉर्मेंस सबने बढ़िया कर रखी है, बट कहानी हमें मतलब कनेक्ट नहीं कर पाती है, लेंथी मूवी हो जाती है, एंडिंग हमें पसंद नहीं आएगी, लास्ट में जो जेम्स भैया के साथ और मतलब जेम्स अंकल जो भी हैं उनके साथ जो होता है वो हमें थोड़ा बहुत शॉक कर देता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि यार मूवी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यूनिक है, इतना नहीं है यार। जेम्स बॉन्ड की इसके अंदर ज्यादा शरारत दिखाई गई है, तो हल्की फुल्की कॉमेडी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि वन टाइम वॉच आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6 out of 10 स्टार। हिंदी डब में मैंने इसको देखा है, इंग्लिश डब में देखने के पैसे नहीं थे तो हिंदी डब की ही बात कर सकता हूं, काफी अच्छी डबिंग लगी मुझे। वॉयलेंस इसके अंदर इतने नहीं है, लेकिन वॉयलेंस है लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल वाले वॉयलेंस नहीं है, तो आप इसको देख सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, तो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी रही है जेम्स बॉन्ड की, आपने कितनी मूवीज देख रखी है। देखो, इतने सारे सवाल छोड़ के जा रहा हूं, कमबख्तों एक तो सवाल का जवाब दे देना। और जिन्होंने नहीं देखी है ये मूवी, आप जेम्स बॉन्ड के फैन हैं तो जाकर ये मूवी देख सकते हैं। देखो, मेरा अपना ओपिनियन है कि मुझे ये मूवी थोड़ी कम पसंद आई, उम्मीदों पर उतनी खरी नहीं उतरी, मे बी आप लोगों को ये मूवी पसंद आ सकती है, ये आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, तो मुझे मत कहना कि यार देखो तुझे नहीं आता देखना, या वो सबका अपना अपना ओपिनियन है यार। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।